अमृत न्यूज़ यूट्यूब पटना बिहार की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ देख रहे हैं बटरफ्लाईज कोलकाता संस्था की ओर से आयोजित फैशन शो और वेडिंग ड्रेस सेल का दो दिवसीय कार्यक्रम। यह ज्ञान भवन पटना में आयोजित है। आइए यहाँ देखते हैं। कोलकाता से ही एक संस्था आई है दिल से और बहुत अच्छा काम कर रही है सामाजिक जागृति के लिए विभिन्न विषयों पर। और आइए मिलते हैं इसी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम लोग मिलते हैं अलका जी से जो कि दिल से संस्था जो है कोलकाता में उसकी संस्थापक हैं और डिटेल को बताएंगी अपनी संस्था के बारे में दर्शकों को। इस संस्था के जो सदस्य हैं उनके द्वारा बनाई हुई बहुत सारी कलाकृतियां हैं महिलाओं के लिए विशेष रूप से। और यह संस्था जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और जो बच्चे युवक और महिलाएं चल नहीं सकती हैं, विकलांग हैं या किसी दुर्घटना के कारण चलने से विवश है, उन्हें वो आर्टिफिशियल लिम्ब अपनी संस्था की ओर से मुफ्त दे करके उन्हें चलने के लायक बनाती हैं, दौड़ने के लायक बनती हैं। और यह काम जो कर रही हैं यह सपना है अलका दालमिया जी का, जिन्होंने इस सपना को साकार कर दिखाया है और कहा भी गया है कि अगर ईश्वर चाहे तो जो चल नहीं सकता है व्यक्ति वो चल भी सकता है ईश्वर के आशीर्वाद से। और इसे साकार कर दिखाया है अलका दालमिया जी ने। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। अमृत न्यूज़ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं कि आपकी क्या उपलब्धियाँ हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। अच्छा, समाज सेवा की, जब हम 50 साल के हुए जी, हमारे बेटे की शादी हुई तो हमको लगा कि बस अभी ये सब चीज़ें तो होती रहेगी ज़िंदगी में, लेकिन थोड़ा अभी समाज सेवा जो हमसे नीडी लोग हैं उनकी सेवा करने में ज़्यादा आनंद आएगा हमें। तो हमने ये दिल से कॉन्सेप्ट स्टोर हमने खोला जहाँ पे लोग अपने पहने हुए बहुत प्यार से रखे हुए कपड़े हम लोग को डोनेट करते हैं। हम अपने स्टोर में उसे ड्राई क्लीन करके उसको फ्रेश बना के हम लोग उसे बेचते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो जो हमसे खरीद रहा है उसको एक तो उसको ये जैसे कपड़े बहुत सस्ते प्राइस में मिले। ये कुछ का कीमत बताइए, कुछ का कीमत। ये बाज़ार में अगर 30,000 का है जी, तो हम इसे 8,000 में बेच रहे हैं। तो आज सिर्फ केवल 8,000 में जी, तो आप ये सोचिए जो चाहता है कि मैं डिज़ाइनर वेयर पहनूं वो पहन नहीं पाता है, वो हमारे स्टोर में आके डिज़ाइनर वेयर कपड़े पहन पाता है और वो इतना खुश होता है कि आज मैं भी इतनी सुंदर बढ़िया कपड़े पहना हुआ हूँ। और साथ में उसने क्या किया है, चैरिटी का काम किया है। उन्होंने ये ख़रीदा है तो उनके 8,000 रुपये से 2,800 रुपये में एक पाँव लगती है महावीर सेवा सदन में। तो हम लोग पाँव लगवाते हैं और हम लोगों ने आज तक 800 पाँव और हाथ लगवा चुके हैं। और महावीर सेवा सदन ऐसा संस्था है जहाँ पे अपंग लोग ही हाथ और पाँव बनाते हैं और जब उनके हाथ और पाँव लग जाते हैं उसके बाद में महावीर सेवा सदन वहीं पे उनको एम्प्लॉयमेंट दे देती है। और उनका जो एक ज़िंदगी भर जिन्होंने सुना था कि वो हैंडीकैप है उनकी लाइफ सुधर जाती है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और एक वो नॉर्मल इंसान तरह जी सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ भी देखेंगे हम लोग ने 11 लाख रुपया उनको डोनेट किया था। मैं हमारा स्टॉल जो कलकत्ता में खिदरपुर में है इतना बढ़िया ढंग से चल रहा है कि सब लोग इतने कपड़े भिजवाते हैं हम लोगों को, लोग आते हैं खरीदते। आप भी देखेंगे इसमें से हम लोगों ने कुछ ख़रीदा नहीं है, डिज़ाइनर्स हम लोग को कपड़े भेजते हैं, आप और हम जैसे महिलाएँ हम लोग को कपड़े भिजवाती है, हम बेचते हैं, खरीदने वाला खुश, देने वाला खुश कि वो एक कॉज के लिए दे रहा है और फाइनल ये खुश। और इससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ भी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग कपड़े रिसाइकल कर रहे हैं, जो अलमारियों में कपड़े ठूंसे पड़े रहते हैं बरसों तक कोई यूज़ नहीं करता है, हम लोग ने उन लोग को एक जगह दे दी है कि आपका कपड़ा भेजिए आपका कपड़ा हमें भेजिए। और
आई मीन हम लोग को इससे बहुत प्राइड मिलता है कि आज हम लोग थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और चाहे तो हम लोग पूरा पैन इंडिया फिर पैन एशिया में फैलाना चाहते हैं अगर आप सब हम लोग का साथ दें। ये प्रेरणा कैसे मिली कि ऐसा करना चाहिए? ये प्रेरणा हमारी सिस्टर लॉ है, वो लंदन में रहती है, तो हम उनसे बोले थे हमारा मन नहीं लगता है, बच्चों की शादी हो गई, करना क्या चाहिए, तो वो हमें बोली कि तुम ये, क्योंकि अब्रॉड तो ये कॉन्सेप्ट है जहाँ सेकेंड हैंड क्लोथ बेचा जाता है, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है, तो वो बोली तुम ये काम क्यों नहीं करते हो, और हमको ये बात बहुत जच गई, तो उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि चैरिटी का काम तुम करोगी, लोगों की सेवा करोगी, तुम्हारा मन लगेगा, और जब तुम ये सेवा भाव करने लगोगी तो तुम्हारे को इसमें इतना मज़ा आने लगेगा कि मन करेगा कि दिन रात यही करती। आपकी दीदी लंदन में रहती है? हमारी ननन लंदन में रहती है, तो उन्होंने हमको ये प्रेरित किया करने के लिए। उनका शुभ नाम क्या हुआ? उनका नाम अभी हमको नहीं पता है। हाँ, नाम नहीं, बस हमारी ननन रहती है, और हमारा अभी लाइफ का वो बन गया है दिल से, हमारे स्टोर का नाम है स्प्रेडिंग। ये नामकरण कैसे हुआ दिल से? ये दिल से हमारा नाम हमारे हस्बैंड ने दिया। वो क्या करते हैं? वो बिजनेस में है। अच्छा। तो हमने उनसे पूछा कि आप कोई नाम बताइए, तो हम लोग ने बहुत नाम सोचा, फिर फाइनली वो बोले कि क्यों नहीं, हर काम अगर तुम दिल से करोगी लोग भी तुमको दिल से देंगे, तुम भी दिल से कर रही हो, तो वाई नॉट दिल से। तो हमने दिल से नाम रखा, और हम लोग का मोटो ही अभी लाइफ का ये हो गया है कि खुशियाँ बांटे जी, चाहे लोगों के फेस के ऊपर स्माइल ले आए, खुशियाँ बांटे, क्योंकि आज हम और आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी तो बांट ही सकते हैं आप मीठा बोल के। और आज अगर हम चैरिटी अंधों की स्कूल में भी जाते हैं, ऑर्फनेज में भी जाते हैं, कुएं भी खुदवाए हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाए हैं, और आज हम पटना आए हैं तो आज एक महिला आके बोली कि आप यहाँ पे अंधों की स्कूल है, यहाँ पे क्यों नहीं डोनेट करो? हम बोले हाँ जरूर से, यहाँ का जो भी हमारा अर्निंग आएगा हम यहाँ डोनेट करेंगे। हम तो एट द एंड ऑफ द डे हमको तो सेवा करनी है, जहाँ हमें सेवा का मौका मिलेगा हम वहीं सेवा करेंगे। ये पोशाक जो है केवल महिलाओं के लिए या पुरुषों और बच्चों के लिए भी है? पुरुषों की भी है हमारे यहाँ पे जी, जी। पुरुषों की जेंट्स की शेरवानी है जी, ये देखिए वही से देखिए शेर, ये दिखा दीजिए डिजाइनर है थोड़ा, ये देखिए ये शेरवानी है समीर, बस हल्का फुल्का हल्का भी बता रहे हैं, ये एक डिजाइन वाला दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो जैसे घर में किसकी शादी है ये पकड़ो, तो क्या कहते हैं बहुत सारे गरीब परिवार के लोग भी क्या कहते हैं ये शादी में उपयोग करते होंगे? हाँ लोग आते हैं, क्योंकि गरीब क्यों, अच्छे परिवार वाले भी आते हैं, क्योंकि शेरवानी सब तो एक बार पहनी जाती है जी जी, हाँ, तो एक बार फिर पहनते नहीं है, पहनते और वापस कर जाते हैं हमारे। अच्छा अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, तो आज वो तो हम लोगों को डबल फायदा हो जाता है जी जी जी। तो अच्छा बच्चों के लिए है कि नहीं? बच्चों का एट प्रेजेंट लोगों ने हमको दिया नहीं है, अगर आप मतलब होनी चाहिए बच्चों के लिए भी, हम तो लेना चाहते हैं जी जी, लेकिन लोग हमको दे तब ना आएगा, आएगा जरूर से तो बच्चों का भी कपड़ा रखेंगे जी जी जी। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और रही बात की ये सुंदर सुंदर डिजाइनर कपड़े पहनकर बच्चे हो या महिलाएं हो या युवक हो या पुरुष हो, वो सज धज कर लगता है कि मैं भी राजकुमार हूँ, मैं भी राजकुमारी हूँ से। और ये हमारे स्टोर में इन लोग समीर है, ये स्टाफ ये हमारे स्टोर के स्टाफ है, ये आपकी फीलिंग बताइए आपको कैसा लग रहा है? अच्छा बोलो, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है जो स्टोर में आता है, जो जीवन लाभ में मिलता है, जो खरीद नहीं पाता है खरीद सकता है, तो आप उसका काम रुपया काम में आता है गरीब आदमी। अच्छा कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो कि गरीब होगा लेकिन उसे भी सपना है कि आपके यहाँ से ले कुछ, हाँ, तो क्या आप उसे डोनेट करती हैं? हाँ, करेंगे हम, खूब डोनेट करते हैं, ये नहीं कि कोई खरीदे, जैसे इसके किसी पास पॉकेट में पैसा नहीं है लेकिन चाहता कि मैं भी खरीदूँ, हाँ, या अपनी बेटी को शादी में सजाऊँ या बेटा को जी, यहाँ पे सिक्योरिटी वाले आए हमारे पास जी, तो हमने सबको दिया, हम बोले अरे खरीदना क्यों, आज हमको खुशियाँ बांटनी है जी, खुशियाँ बांटनी है, तो आज हमारे को ये जो
साड़ियाँ ऊपर लगी है जी, जी, किसी ने एक साथ में 50 साड़ी हमको भिजवा दी जी, तो आज हम क्यों नहीं देंगे? आज हम जरूर खुशियाँ बांटने के लिए हैं। हर चीज़ तो पैसे से नहीं आती है, खुशी तो ऐसे भी आती है। और आज हम आपके लिए भी, आप सिलेक्ट करिए, आप जो साड़ी सिलेक्ट करेंगे हम आपको देंगे। महादेव इनके लिए पिंक वाली साड़ी, अभी मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा लग रहा है कि देवी लक्ष्मी आई हैं धरती पे और सभी को खुशियाँ बांटने के लिए। साक्षात देवी लक्ष्मी हैं आप, और क्योंकि जो बहुत सारे गरीब परिवार हैं समाज में, जो कि लगता है कि वो सपना देखते कोई आके मदद करे, लेकिन लग रहा है कि आप हैं कि जो कि एक तरह से मदद कर रही हैं, और बच्चों के भी वस्त्र आए आपके। हम बस भगवान कृपा बनाए रखें कि हम ऐसे ही सबकी सेवा करते रहे और आप लोगों की आशीर्वाद मिलता रहे हमको जी। तो हम अपने सेवा रास्ते में निकले हैं, हम सेवा के आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आपका ये कदम है, सराहनीय कदम है, जो कि एक तरह से महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक उत्थान का भी काम कर रहा है। बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि समाज में ऐसे भी लोग कोलकाता में हैं, इस समाज में, भारत में हैं, और हम सभी को आगे बढ़कर अलका दालमिया जैसी महिलाओं को समर्थन दे करके उन्हें सहयोग करके उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। चार जन ने मिलकर ये संस्था चालू की जी, है। सभी का नाम बताएंगे? सभी का नाम है अलका दालमिया, हम जी, हम और फिर हमारे यहाँ ये संगीता ठक्कर है सबसे पहले रेड में, ये हम है ही, ये विधि अगरवाल है लाल ड्रेस में, और ये मंजू पचीसिया है। हम लोग चार जने मिलके ये संस्था चालू, चारों सहेलियां हैं। हाँ सहेलियां, हम लोग बिजी थे आ नहीं पाए। अच्छा। तो हम अकेले ही आए हैं अपने सारे बड़े परिवार को लेके, ये सब हम लोग को, ये सब देखिए दिल सभी से, परिवार के सदस्य हैं, दिल से एसोसिएटेड है। तो इन लोग सब ऐसा लग रहा है कि ये चारों देवियाँ हैं, चार सहेलियाँ नहीं, चार देवियाँ जो कि धरती पर उतरी हैं सभी को खुशियाँ बांटने के लिए। और जो खुशियाँ, जो मुस्कान जिनको आप मदद करते, उसके चेहरे पर जो मुस्कान है वो लाखों रुपए से भी ज़्यादा है, बहुत, उसे खरीदा नहीं जा सकता है। एकदम नहीं, जो खुशी प्राप्त होती है जी। हम आपको कुछ पिक्चर्स आप शेयर करेंगे जी। अभी कुछ बच्चे आए थे स्कूल के, कॉलेज, हाँ के, मैंने देखा था, और पटना वुमेन्स कॉलेज की महिलाएं, अच्छा, लड़कियाँ थी वो, उन लोग आए थे, तो उन लोग को हमने ऐसे ही गिफ्ट दे दी जी। फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी में देखभाल कर रहे हैं उन लोग आए, हमने उनको साड़ी दे दी, तो उन लोग इतने खुश हुए, आके हमारे गले लगे हैं, हमारे कंधे पे हाथ रख के पिक्चर निकलाए हैं। तो हमको लगा कि सच्ची भगवान हमको ये रास्ते, ये पथ पे आगे बढ़ाता था। ये प्रेरणा तो आपके रिलेटिव ने दिया कि ऐसा करो, वो प्रेरणा वो दी जी। और बस अभी हम वो रास्ते पे निकल चुके हैं, हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड, हमारे दो बेटे, बहू, उन लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं पूरे ढंग से, हमारे माता पिता, हमारी मम्मी बम्बई रहती है, वो बहुत खुश है कि हम ये काम कर रहे हैं। और आप जो काम कर रही हैं, काम तो कर ही रही, दिल भी खुश हो रहा है, दूसरे को खुशियाँ भी बांट रही हैं। हाँ। दूसरे को खुशियाँ भी बांट रही हैं। हाँ। दूसरे को खुशियाँ भी बांट रही हैं, साथ साथ जिनकी आप मदद कर रही हैं, जिसके चेहरे पर मुस्कान आ रहा है, उसकी ओर से आपको दुआओं की बारिश भी हो रही है। हाँ, वो तो जरूर, हमको सबकी ब्लेसिंग्स, हम ब्लेसिंग्स चाहते हैं कि सब अपना आशीर्वाद देके जाएं। और जो आपके लाभार्थी हैं, जिनको आपसे लाभ मिल रहा है, उसकी तो दुआ आपको मिल ही रही है, ऊपर से ऊपर वाला भी आप पर दुआओं की बारिश कर रही है। ओह थैंक यू सो मच, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपको भी कि आपने समय दिया और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अमृत हिंदी न्यूज़, यूट्यूब, पटना, बिहार।